प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक जितने यूज करे हैं फ्रॉम डॉटन की। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट बूम फैक्टर। आई एम सन्या, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने 8 to 10 डॉटन की के प्रोडक्ट यूज करे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डॉटन की यस या नो, जो आप लोगों को शायद हेल्प कर जाए, क्योंकि शायद आप भी इनमें से कुछ लेने वाले हों एंड वो वर्थ बाइंग ना हो, तो आपके पैसे बच जाएंगे, है ना। तो वीडियो देख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। तो यस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे गाइज मेरे प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक जितने यूज करे हैं फ्रॉम डॉटन की। कुछ तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, कुछ बहुत बेकार प्रोडक्ट हैं जिसने मेरे बहुत सारे पैसे खर्च कराए, क्योंकि डॉटन की बहुत अफोर्डेबल ब्रांड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट से स्टार्ट करूंगी, वो है दिस डॉटन की का बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश। अभी ना गाइज मेरी स्किन बैरियर थोड़ा ज्यादा खराब सा हो गया था ड्यू टू सम प्रोडक्ट, मैंने शेयर भी किया अपने रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट, तो उन्हीं प्रोडक्ट से मेरा स्किन बैरियर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करा, एकदम जेंटल है ये, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये नॉर्मल ड्राई सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, बट ये ऑयली कॉम्बिनेशन पे भी सूट कर जाए, मतलब ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसको मैं दूंगी 5/5। उसके बाद है अगेन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट डॉटन की का सेरामाइड हेलोरोनिक स्किन बैरियर फेस क्रीम प्रोबायोटिक एंड राइस वाटर। ये दोनों कॉम्बो इज लाइक अमेजिंग, दोनों कॉम्बो फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं ये दोनों। इसका पीएच 0.5 है, ये वैसे ड्राई टू वेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, मेरे तो सेंसिटिव हो ही रखी है, तो मेरे को ये बहुत अच्छे से सूट करा गाइस ये प्रोडक्ट। ऊपर से कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, टेक्सचर भी अच्छा है एंड काफ़ी सूदिंग है, रिपेयरिंग है, सच में रिपेयरिंग एंड सूदिंग है, काफ़ी अफोर्डेबल नहीं है, बट या 395 की काफ़ी अच्छी है, इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो 395 का वर्थ बाइंग है ये। एंड इसने रिजल्ट भी अच्छा ही दिखाया है, मतलब इसके बाद से ना मेरे कोई भी ऐसा एक्टिव एक्ने नहीं हुआ, ये तो अभी जो पहले के हो गए थे उनके मार्क्स ही हैं, बट अभी कोई एक्टिव एक्ने नहीं हुआ जब से मैं फेस वॉश और ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये थम्स अप एंड 5/5। उसके बाद है गाइस दिस प्रोडक्ट फ्रॉम डॉटन की सीका कामिंग फेस वॉश। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है एंड ग्रीन टी है। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, स्मितन से मंगवाया था मैंने, मिनी साइज का ही मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है ये भी, ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब डॉटन के फेस वॉश ऐसे नहीं है कि आपके फेस को ड्राई कर दें, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी मैं थम्स अप एंड 5/5। और फिर आता है वो प्रोडक्ट जिससे मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, बट वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये है गाइस डॉटन की का AHX फ्लोटिंग स्लीपिंग मास्क। इस प्रोडक्ट ने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया, सच में महंगा आया था यार, मेरे पैसे लगे हैं इसमें, मैं क्या करूँ, दुख हुआ है मेरे को इसको खरीद के, पता है कितने का था ये, अब तो शायद सस्ता हो गया होगा, उस वक्त मैंने जब खरीदा था ना इसको तो ये इसी रेट का मिला था, कोई डिस्काउंट में नहीं खरीदा था मैंने सेम प्राइस का ही लिया था, 995, मतलब 1000 का मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, जो बिल्कुल बकवास प्रोडक्ट है। ये मेरी सिस्टर ने भी यूज़ करा, मैंने भी यूज़ करा एंड उसको भी स्किन बैरियर खराब हुआ, मेरा भी स्किन बैरियर खराब हुआ, बताओ दोनों को ही सूट नहीं करा। तो पता है क्या है, जो नॉर्मल स्किन टाइप के हैं ना एंड जो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं AHA BHA ये सब बहुत ज़्यादा यूज टू हैं वो, तो वो शायद इसको यूज़ करें तो उनको शायद इसका रिजल्ट मिल सकता है, बट जो बिगनर्स हैं सेंसिटिव स्किन टाइप के हैं वो तो इससे दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें 12% लैक्टिक एसिड है। बिगनर जो या सेंसिटिव स्किन वालों को 2% तक ही यूज़ करना चाहिए कोई AHA BHA, बट इसके अंदर 12% है लैक्टिक एसिड, तो मेरे लिए तो ये थम्स डाउन है एंड मैं इसको 0/5 दूंगी, क्योंकि एक तो इतना महंगा आया, मेरे पैसे खर्च कराए इस प्रोडक्ट ने एंड मेरा स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी बिगनर एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट था ये। उसके बाद आता है अगेन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, वो है दिस डॉटन की का सीका कामिंग नाइट जेल। बहुत सूदिंग है गाइज, ये आपकी ऑयली हो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो इवन सेंसिटिव हो, बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन पे सूट कर जाएगा, मेरे को तो बहुत अच्छे से ये सूट किया है एंड इसका प्राइस है 4.95, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे नियासिनमाइड हो गया, ग्रीन टी हो गया और भी सीका भी अच्छा इंग्रेडिएंट है, तो काफ़ी सूदिंग है, अच्छा है, मतलब इसने कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं दिए, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा,
तो अगेन मैं इसको दूंगी थम्स अप एंड 5/5। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस डॉटन की का विटामिन सी ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है बट इसमें ना लैक्टिक एसिड है, तो इसलिए मैं इसको मैंने यूज़ नहीं किया, एक दो बार यूज़ किया बट इसने मुझे कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिया, बट स्टिल मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया। मेरी सिस्टर ने ज़्यादा यूज़ किया बट अच्छी है ये, मैं ऐसा नहीं इसको यूज़ नहीं कर सकती, मैं इसको कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा समर्स होंगी ना जब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, एंड अब क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो ऑब्वियसली स्किन के लिए भी अच्छा ही होगा। एंड ये ना 295 की मैंने मिनी साइज़ मंगवाई थी, अगर आपको भी ट्राई करनी हो तो आप भी मिनी साइज़ ही मंगवाना पहले, तब इसकी बिग वाली मंगवाना। अच्छी है कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वालों के लिए, समर्स में तो बेस्ट ऑप्शन है ये। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, जेल बेस्ड फॉर्मूला है इसका, तो इसको भी मैं थम्स अप दूंगी एंड 4/5। उसके बाद है गाइस दिस प्रोडक्ट, ये है डॉटन की का पॉल्यूशन एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क। ये मास्क काफ़ी अच्छा है गाइस, अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको ज़रूर ये वाला मास्क ट्राई करना चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 325 का है गाइस, ये भी मिनी साइज ही है अगेन, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मास्क। समर्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, क्योंकि क्ले मास्क है ना ऑयल को यू नो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो काफ़ी अच्छा है एंड सूदिंग भी है, मतलब इससे मुझे कोई ऐसा ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं हुए, तो मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ आगे भी। अभी मैंने यूज़ करा था, मुझे कोई ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं हुए, अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैं इसको आगे भी ट्राई कर सकती हूँ, अच्छा ही है। तो इसको भी मैं थम्स अप एंड 4/5 दूंगी। उसके बाद है गाइस दिस अगेन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट डॉटन की का लिप एक्सफोलिएटिंग शुगर स्क्रब। काफ़ी ना इसके माइल्ड पार्टिकल्स है गाइस एंड अच्छे से ना लिप्स को लिप्स पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है, लिप्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ सपल बना देता है। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा माइल्ड है। मैंने यही एक लिप स्क्रब यूज़ करा एंड इसी पे ही मैं अटक गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही प्रोडक्ट है। प्राइस है गाइस 645, बट मैंने ना आई थिंक इसको सेल में लिया था, नायका पे सेल चल रही थी मैंने तब लिया था, बट बहुत आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिला था, बट ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इसका स्मॉल भी आई थिंक आप वो ट्राई कर सकते हो, अगर आप एक अच्छा लिप स्क्रब ढूंढ रहे हो तो आपको इस वाले लिप स्क्रब में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा है इसका लिप स्क्रब डॉटन की का। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे, इसके अंदर शुगर है, कोको है, पेपरमिंट है, आलमंड है, आलमंड ऑयल लिप्स की पिगमेंटेशन को यू नो रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसको भी मैं थम्स अप एंड 5/5 दूंगी। फिर आता है गाइस लास्ट प्रोडक्ट, ये है डॉटन की का ग्लो रिवाइविंग विटामिन सी पिंक क्ले मास्क। ये मास्क भी काफ़ी अच्छा है, मैंने ख़त्म ही हो चुका है मेरा, थोड़ा बहुत ही बचा है। समर में मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है तो मैं ज़्यादातर क्ले मास्क ही प्रेफर करती हूँ समर में, तो दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, डॉटन का ये वाला भी एंड वो भी। एंड ये दोनों ही ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए हैं। इसका प्राइस है 845 इसका प्राइस है। ये भी मैंने ना ये दोनों जो नाइट मास्क है स्लीपिंग मास्क जो मैंने एचए वाला दिखाया एंड ये मैंने दोनों साथ में लिए थे 0% डिस्काउंट में, मतलब जितना रेट प्राइस था ना उसी प्राइस से मैंने लिए थे। एंड ये तो मुझे फिर भी अच्छा भी लगा, सूट भी कर गया, बट उस प्रोडक्ट ने तो बिल्कुल ही बैंड बजा दी, नो वे। सेंसिटिव स्किन वालों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी। ऑयली कॉम्बिनेशन है तो आप कर सकते हो, इवन ना आपकी नॉर्मल है तभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि है तो ये क्ले मास्क, जब आप इसको लगाते हो ना तो ये एकदम यू नहीं ड्राई, एकदम ड्राई हो जाता है फेस, नो कुछ नहीं होता, नॉर्मल आप मॉइस्चराइजर लगा लोगे सही हो जाएगा, तो ये एक नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग मत लो, इस प्राइस के अकॉर्डिंग और ब्रांड के आपको बहुत अच्छे इसके कम प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, तो ये मत लेना। फिर भी ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको मैं थम्स अप ही दूंगी, 4/5 ही दूंगी। तो यस गाइज, ये तो मेरे डॉटन के प्रोडक्ट के रिव्यू, पार्ट 2 भी जल्द आएगा, देखना मत भूलना। एंड आपको कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बताना, इसमें से कुछ ट्राई करा है आपने, करने वाले हो वो भी बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।